बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी, और आता है फिर डी। सी क्या है हमारा? एब्सोल्यूट चेंज, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये परसेंटेज चेंज। सी क्या होता है? बी माइनस ए, और डी क्या होता है? सी डिवाइडेड बाय ए इनटू, पहले भी यही पढ़ा हुआ था, अब भी वही है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, सेम। ये बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं, मैंने बैलेंस शीट वो प्रॉफिट एंड लॉस को काउंट कराना सिखाया वो लास्ट क्लास, तो अब ये उसी में यूज हो गया। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया था पिछली क्लास में मैंने, मुझे बुक देना, बुक देना। बच्चों बना लिया, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, दो बच्चों जूम के बच्चों क्वेश्चन दू। अबे बच्चों आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, मैं पहले उससे बात चल रही थी, दूसरे वाले से, देख रहे बड़ी धीरे आ रही है बात। बच्चों आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, चेक करो ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ओहो क्वेश्चन गलत दे दिया, गलती से दूसरा क्वेश्चन दे दिया, देना कुछ और था, दे कुछ और दिया। आकाश छोड़ दे, तू क्लिक कर। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ भैया, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर? अगर आपकी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन ना दिखाई दे रहा हो तो आपकी बुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अब इसको करेंगे कैसे वो मैं पहले करके दिखाता हूँ, ताकि आज इसको चैप्टर को खत्म कर सकें। जो कर सकते हैं वो लोग करें, और जो नहीं कर सकते वो करें, वो देखें।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 11 आप कंपेरेटिव लिखे हुए ऐसे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 11 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्टिकुलर ए बी सी डी, ए प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज। अब चेक करते हैं, सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है, पहले लिखते थे हम इनकम। देखो अपने आप करोगे तो गलती करोगे, पक्के से गलती करोगे चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। पहला आता है इनकम, क्या आता है इनकम। इनकम के अंदर आता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नेट सेल भी बोलते हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल कितनी दे रखी है पिछले साल की 3 लाख की, और इस साल की कितनी दे रखी है 3.5 लाख की। ये तो बाद में सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाद में करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे नहीं दे रखी पर आपको लिखनी पड़ेगी, अदर इनकम। क्या देनी पड़ेगी? हेडिंग नहीं दे रखी है बट आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, अदर इनकम कितनी दे रखी है मेरे को, तो 0 0 0 लिख दो, जीरो जरूरी है। फिर आएगी टोटल इनकम, फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 था। फिर 4 में आपके एक्सपेंसेस थे सारे के सारे। अब एक्सपेंसेस में ऐसे कुछ नहीं कि सारा ही लिखना होगा, जो दे रखा है वो लिखते चलो। परचेज दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट दे रखा है, अदर एक्सपेंस दे रखा है, वो लिखते चलो। परचेज, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंस है, एक्सपेंस सब होंगे भी बेटा, वो मैं वो करा रहा हूँ। अब एक्सपेंस के अंदर में सारी चीज लिखता हूँ, 1,80,000, 20,000, 15,000, 5,000। 1,80,000, 20,000, 15,000 और 5,000। दो लाख दस हजार, पंद्रह हजार, एक लाख पचहत्तर हजार, सत्रह पाँच सौ। इसका आप टोटल लिखोगे, इसको बोलते हैं हम टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस निकाल के दे रखा है इन लोगों ने पहले से, 2.5 लाख और वो 2,20,000 और 2.5 लाख। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा है, 80,000 और 1,00,000। 1,00,000 और 80,000 नहीं दे रखा, 80,000 और 1,00,000 दे रखा है, उल्टा दे रखी है फिगर्स में। माइनस टैक्स, अगर क्वेश्चन में माइनस टैक्स कोई टैक्स जैसी कोई चीज नहीं दे रखी हो तो अभी आपको टैक्स जैसी चीज लिखनी पड़ेगी। टैक्स कितना है, 24,000 और 30,000। टैक्स को परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये जैसे तुम्हें निकाल के दे दिया ऐसे फॉर्म में नहीं, परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाएगा। कि भैया 40% टैक्स है या 30% टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11th क्वेश्चन कैसे निकालेंगे बता, मैं पूछूं पता क्या पूछ रहे देखो क्या, प्रॉफिट का 40%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40%। अभी बता रहा हूं तुम्हें, पता आ जाएगा। अब चेक करो, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पे। सर उतार ली तुम लोगों ने,
चलो मैं शुरू से पर एक्सपेंस से दिखा रहा हूँ, एक्सपेंस से देखो, एक्सपेंस से, एक्सपेंस से, ये चीज इजी है यार, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। किसने ऐड कर लिया? गलती से ऐड कर लिया है? किस नाम से? कोई क्लास के बच्चे का नाम कर 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 और नाम चेंज कर दे। अभी उतार लो नीचे की तरफ, मेरे को भेज वायरस वायरस कंप्यूटर 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 में और तुमने नाम क्या रखा था? सी जी शिवी वर्मा। शिवी ये डाल लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डाल लो। ये तो पागल जनरल नॉलेज थोड़ी पढ़ा रहे हो। गाना चला रहे हो? गाना चला रहे चांद मैप चार पढ़ाऊं? बोल तो पानी लाए, रुक रुक के बोलना है। निकाल दे जा। सही बात। मारू तुझे पढ़ी नहीं रहे वाला Yeah.
अरे यार पढ़ा दो यार, मुझे तो पढ़ा दो, क्यों बर्बाद कर रहे हो समय को। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, मुझे पढ़ाने दो। चेक करो, अब हमने यहाँ पे आ गए, हम इनकम पे आ गए। इनकम पहले 3 लाख की थी, अब 3.5 लाख की कितने की बढ़ गई। तो अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। ये कौन से केस में, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या फॉर्मूला होता है, सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। अब चेक करो, यहाँ पे 1,80,000 आ रहे हैं, यहाँ पे 2,10,000 है, तो कितने हजार बढ़ी हुई है, 30,000। अब 30,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, ये भी 1,666 आएगी। ठीक है, हाँ यश, हाँ यश, अब चेक करो, पहले 20,000 तक के, अब 15,000 है, तो ये माइनस 5,000 आएंगे, माइनस के 5,000। अब 5,000 माइनस के डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, तो माइनस के 20%, तो 20 लिखोगे ब्रैकेट में, माइनस डिवाइड ब्रैकेट में, ब्रैकेट में 25%, 25% माइनस के, तो यहाँ पे अभी माइनस के 25% देखो। इजी है यार, ये बड़ा भी क्यों रहा हूँ मैं, परसेंटेज का साइन में इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि चेंज हो जा। बच्चे तुम्हारे जूम के बच्चे, तुम्हारी स्क्रीन पर 25 लिखा हुआ आ गया, नहीं आ गया अभी तक, आ गया, 20 लिख रहा हुआ आ रहा है, 16.66 के नीचे क्या लिखा हुआ रहा है, 20 या 25 आ गया, यहाँ क्यों 20 आ रहा है, हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही सॉल्व करते हुए चलेंगे हम लोग। क्लास होगी फालतू की, हाँ सबके कॉल अभी सब पढ़ाई, हाँ भाई, हाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी पता कर के बता दूंगा भाई मैं, अभी हाँ हो जाएगी 50 जनों की तारम से। चलो चलो चलो, अब सही मैं पागल हो जाऊंगा आज, पता नहीं क्या, बॉडी भी काम नहीं कर रही अब तो। राजू क्या किया हमने, रात को 11:30 बजे क्रिएटा की गाड़ी खोली, ऊपर चढ़ गए सारे के सारे शहनशाह पे, वो
वो डमरू वो ड्रम वाले होते ना शादी में से निकल के आ रहे थे उनको रोक लिया और बजा डांस और उस पर डांस कर पुलिस वुलिस भी आ गई हमने वो कह दिया कहते नितिन की ये शादी तय होगी तो आप अपने क्यों नहीं बोलते हो ऐसे दूसरे बोल दिया नहीं मेरी दुबती रख रही है आ तो रहा है ये मैं कर तो रहा हूँ देखो यार सबके रूम के बच्चों प्लीज आज कोऑपरेट कर लो ये सॉल्व कर लो ये बहुत बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ के बच्चे अब मेरे साथ ये टोटल ऐसे करके नहीं निकालता ये 2,20,000 में से 2,50,000 माइनस करना ऊपर का प्लस मत करके आ जाना नहीं 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 कंपैरेटिव में बगल वाले से मतलब सी 2,20,000 तो टोटल टोटल हाँ हाँ ये माइनस करेंगे हाँ माइनस हाँ किसने ये वाला कितना आ रहा है और मैंने क्या लिखा है 16 तो मैंने भी 16.66 लिखा है ऐसा करके आ गया हुक्का चढ़ गया 30,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 का कितना रहा है 20% आ रहा होगा इसका तो है 25 और इसका देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा परसेंटेज फॉर्म में ऊपर से दिखा रहा हूं मैं पहले ऊपर का देख लो फिर ऐसे करते हुए चल रहे हम साइड में अच्छा बर्बाद कर दी तुमने क्लास सारी ए बी सी तो इक्वल आएंगे डी इक्वल नहीं आएगा डी का अलग अलग मार्क्स आएंगे ऊपर ऊपर ही तो है ठीक है ये अरे मुंह मत चलाया कर के खाएगा के खिलाऊं क्या खाओगे रखा हो रही ना 30 लाख वो 30,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 करके देख ले कितना आ रहा है हाँ हाँ भाई वो इसमें इतना ही यार चॉकलेट चॉकलेट के बीचों भैया कितनी किटकैट लगी हुई थी उसके अंदर भाई मतलब यार मैं किटकैट नहीं खाई बस कौन सा था दोनों वाला एक ही टेस्ट लग रहा था मुझे तो दोनों का सही बताऊंगा तुम्हें दोनों की जगह बने ना हम आपको ज्यादा अरे नहीं और अब मेरा मन ऐसा हो गया केक से कि कभी जिंदगी में केक ना खाऊं अरे तुम लोगों ने जो केक मुंह में डाल डाल के कितना केक खिलाया ना मैं ये देखो ये करो
चलो ये उतार लो, उतार लिया शुभ, उतार ले भाई, उतार भाई, फिर मुझे कॉमन साइज भी पढ़ानी है अभी। समझ आ गई अभिषेक? अबे भाई अभिषेक क्यों खिला दे यार, उसने कुछ नहीं खाया यार, उसको थोड़ा बहुत खिला दे, चल खिला दे, कुछ तो है, सब खा गया, थोड़ा दे दे अभिषेक, खा ले दीदी, दावदानी क्यों आया, सीधा है वाला का हमारा, टेढ़े होते हैं और स्नैप करता वो दुष्यंत, क्या गिफ्ट रखा हुआ घर पे, फिर क्या है उसके अंदर मुझे बता दे, गंगा तूने अपने लिए लिया है, अपने लिए लिया है, हाँ तो उसी के अंदर लग दिया, पैकिंग हो गई है, कहा है तो वो उसमें, तो वो पैक्ड हो गया है वो, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, तो कोई तेरा गिफ्ट नहीं आया मेरे पास, दो डीओ किसके हैं वो, दो डीओ टाइप से कोई दिख रहा है मुझे, मुझे नहीं पता किसके, रूस वाली बच्चा, समझ में आ गया, मैं कॉमन साइज पढ़ाने वाला हूँ, कॉमन साइज बैलेंस शीट, मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ा दूँ, वो सॉरी कॉमन साइज पी एंडल पढ़ा दूँ, जूम के बच्चों कॉमन साइज आप चेक करो, कॉमन साइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, थोड़ा सा चेक करो, सेम ही है बिल्कुल, पर अब चेक करो क्या होता है बेटा, सुनो 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 सुनो, अरे सुनो भाई, अब ये जो परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर है ये कैसे निकलेगा, इसका आंसर है आइटम ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नेट सेल, केवल नेट सेल, ये फॉर्मूला याद रखना, इन 200 नेट सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करेंट ईयर, अब तुम होशियार हो, क्या लिखोगे, आइटम ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय नेट सेल ऑफ, हाँ और क्या, पता नहीं मैंने नहीं खराब, दिमाग खराब कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, बच्चों समझ में आया, जूम के बच्चों नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा उससे, 22 क्वेश्चन है आपकी बुक का, 22 सॉरी 22 नहीं है, 23 आपकी बुक का, ओह माय गॉड, 200 रुपए शोभा के लाती है, देखो लड़के ऐसे क्यों करती है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं आपको अब करके दिखा रहा हूँ, 23 क्वेश्चन, ये उतार लिया, ये उतार लिया, ये उतार लिया, बस हो गया, उतार लो, जिस लड़के के नाम से ना, तो मत बुला दीजिए, क्या नहीं कुछ कहेगा, नहीं क्या क्या लिख के भेज दिया, किसी से पता नहीं लग पा रही कुछ, ये तुम अच्छे स्कूल से अच्छे मजे ले रहे थे, ये स्कूल ही बढ़िया है, तो अबे
स्नेहा बुला रहे हैं कैमरा यही है यही डिवाइडेड बाय यही करोगे तो 100 आएगा। चलो मैं 423 क्वेश्चन कर रहा हूँ। You are disgrace to family. Same. ऐसी करता है ये। हाँ तो एक साल का निकालो, उसमें क्या फर्क है? उसको किसी कंपेयर थोड़ी करना होता है। बेकार मेरी नजर से बेकार टीचरों में से एक है, गंदा आदमी है, बहुत फैमिली पे पहुंचता बहुत जल्दी। दिस शो योर फैमिली बैकग्राउंड सेम 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 नहीं बोल दिया हाँ तो कहते मैडम तुमने क्या उखाड़ लिया पढ़ के। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो बच्चों बेटा क्वेश्चन देखो दिखाई दे रहा है आपको 23। अब सबसे पहले कॉमन साइज लिखेंगे और फिर हम आपके लिखेंगे बैलेंस शीट वो पी एंड एल अकाउंट पर्टिकुलर ए बी सी डी सी के आगे परसेंटेज डी के आगे परसेंटेज। सबसे पहले लिखा हुआ पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑफ ऑपरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम नेट सेल। पहले साल की कितनी दे रखी है इसमें उल्टा पीछे का मतलब कुछ नहीं होता है। फिर 1,14,00,000 14,00,000 और 16,00,000 पहले सारी चीजों को भर लेते हैं ना। फिर अदर सेल दे रखी है अदर इनकम, तो अदर इनकम हमें लिखना तो जरूर पड़ेगा, फॉर्मेट के हिसाब से बनाना पड़ेगा बेटा ये तो 0,0। फिर तीसरा भी लिखोगे टोटल रेवेन्यू। आज और एक दावत है आज वहां पे खैर में मेरे स्टूडेंट की शादी है एक्सपेंस। अब तो याद भी हो जाएगा ये धीरे धीरे। एक्सपेंस को याद नहीं करना होता अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस के अंदर क्या क्या चीजें, परचेज स्टॉक फाइनेंस कॉस्ट अदर अदर एक्सपेंस और ये है टोटल एक्सपेंस। ठीक है टोटल एक्सपेंस कैसे बेटा 9,00,000 1,00,000 80,000 90,000 11,70,000 10,00,000 1,80,000 80,000 1,30,000 13,90,000 और कुछ। ये हो गया हमारा फोर्थ फिफ्थ आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है 2,30,000 2,10,000 बेटा लेस टैक्स कितना है। देखो अगर टैक्स में परसेंटेज निकला है बोल दे कि 40% या 30% तो हमेशा इस पे परसेंटेज लगाना इस पे। हाँ कितनी कितनी है 40,000 और 36,000 और कुछ भी नहीं करना अभी। मैंने अभी तो क्वेश्चन चालू भी नहीं किया, अभी क्या कर रहा हूँ केवल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,90,000 1,74,000। चलो हो गया अब चेक करते हैं होगा क्या। बेटा सी निकाल रहे हैं, सी को
केवल ए से मतलब है और डी को केवल बी से मतलब है, ध्यान रखना। सी को किससे मतलब है? ए से, और डी को किससे मतलब है? बी से। अब चलो फॉर्मूला क्या था, आइटम डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। आइटम अभी क्या है? 14 लाख, 14 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल, नेट सेल भी 14 लाख ही है, इनटू 100 तो कितना गया? 100%। सेम इसका भी 100% आएगा, ये ऐसे ऐसे लिख दो और अभी कुछ सॉल्व नहीं करो तो ये भी 100%, ये भी 100%। अब आते हैं हम यहाँ पे, आइटम क्या है अब हमारा? 9 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख, 14 लाख हमारी नेट सेल है, इनटू 100 कितना आया निकाल के सॉल्व करो, 64.28। और 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, क्योंकि इसकी नेट सेल कितनी थी हमारी इस वाले की? 60। 1 लाख है वो कहाँ? सॉरी अभी रुक जा मैं वो वाली, अरे शांत हो जाना बच्चा, मैं भी ऐसे कर रहा था, ऐसे करके तो अभी मैं 10 लाख को काउंट कर रहा था, पर हाँ तरीका ये बोलता है इस वाले क्वेश्चन को, पहले 14 लाख वाला, पहले सी निकाल लो सारा। सी कैसे निकलेगा? अब सी निकालते हैं, भी चेक करो। पहला होगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इनटू 100 कितना आया? 14, 80,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इनटू 100 5.71, 90,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इनटू 100 कितना आया? 6.42, 11,70,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इनटू 100 83.57, ये डबल लाइन लग गई, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख, 14 लाख 60.42, और 40,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख 2.85, और 1,90,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख 13.57, ऐसे होगा ये पहला। किसी को नहीं समझ में आया ये बता दो पहले मेरे को, ओए किसी को नहीं समझ में आया? इजी था, कुछ किया नहीं है, देखो कैलकुलेटिव पार्ट है वो तो कोई भी कर सकता है, नहीं आया बेटा तुम्हें? क्या करना था चेक करो, 14 लाख डिवाइड बाय 14, 0 डिवाइड बाय 14, 14 लाख डिवाइड बाय 14, 9 लाख डिवाइड बाय 14, 1 लाख डिवाइड बाय 14, 80,000 डिवाइड बाय 14, 90,000 डिवाइड बाय 14, 11,70,000 डिवाइड बाय 14, 2,30,000 डिवाइड बाय 14, 40,000 डिवाइड बाय 14, 1,90,000 डिवाइड बाय 14, इनटू 100 करना ही करना सब में परसेंटेज निकालने के लिए। अभी हमारा कौन सी निकल गया है? सी पार्ट निकल गया है, अब हम कौन सा पार्ट निकालेंगे? कौन सा? डी, बी, डी निकालेंगे। डी को निकालने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? बी को, डी का हमने एक्सपेंस इनकम तक तो निकाल दिया, एक्सपेंस निकालते हैं। डी में जो नेट सेल इस्तेमाल होगी वो कितनी इस्तेमाल होगी? 14 लाख या 16 लाख? 16 लाख। अब चेक करते हैं, ए 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इनटू 100 कितना आया? 62.5। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख 11.25, 80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख 1,30,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख 8.125, फिर ऐसे लाइन करी 21.86, 13,90,000 डिवाइड बाय 16 लाख 80.87, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख
36,000 डिवाइडेड बाय दो ओ, एक लाख 16,000 वो 16,00,000 2.25 और 1,74,000 डिवाइडेड बाय 16,00,000 10.87 खत्म। क्वेश्चन इतना इजी है, ऐसे ही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। खत्म। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में मार्क्स ऐसे होते हैं, एक पूरी लाइन को सॉल्व करना होता तो मार्क्स मिलेंगे, और कॉमन साइज में ऐसे पूरी लाइन को सॉल्व करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। इस चार नंबर का है, उस दिन भी मैंने क्वेश्चन दिया था एक। इतनी नहीं आती। और अब मैं क्वेश्चन दू तुम्हें, कैसा आएगा क्वेश्चन? एक्चुअली क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं है। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आएगा कुछ पेपर में। अब वो क्वेश्चन आप देखना चाहते, हाँ अभी अभी कर लो, बहुत छोटा सा है क्वेश्चन। हाँ हाँ बहुत है, मैं चल रही इसकी भी। अनीता जी को मैम को कॉल करता हूँ, वाला था अनिता जी, तभी समझ जाता हूँ मेरे हाथ पैर तो काम जाता है, वो कोई शिकायत आई उम्र पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड। मेरा लाज नहीं पड़ रहा, शो एडवांस ना किया का, शो बेकार है एडवांस। लाइफ इज रिस्की, ड्रिंक विस्की, be a ranger, yes. Fight with the danger. Yes, कह रहा था whiskey पी लूँगा। ये मैं कौन से कह रहा था बता? लल्लन, लल्लन सर। अब क्वेश्चन देखोगे, करना चाहोगे क्वेश्चन कर लो बेटा। मैं अब वो नहीं पढ़ा रहा बिजनेस स्टडीज, जो दूसरी सब्जेक्ट है, केवल यही पढ़ा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा कर लो। ये चार मार्क्स फ्री के आएंगे। अब चेक करो क्वेश्चन आएगा कैसे, अगर पी एंड एल का क्वेश्चन आया तो आएगा कैसे, बना रहा हूँ बुक में नहीं दे रखा। अरे इसमें दो चार पांच क्वेश्चन करके खुद नहीं मानते, ये क्या बार बार रिपीटिव क्वेश्चन करोगे, कोई टफ थोड़ी है। लॉजिकली कुछ टफ आ रही हो, चीज समझ में आ रही हो, 10 क्वेश्चन कर लोगे अगर बोर्ड के पेपर के जो भी आ रहे हैं तो ही काफी होगा। ऐसे चैप्टर तो फ्री के मार्क्स देके जाते हैं, चेक करो। हाँ मैं जो करा रहा हूँ क्वेश्चन वो करो। इनको बुरा लगा कर दे। अगर आपका कोई एक क्वेश्चन इसमें गलत निकल आया तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये कंपैरेटिव है, क्वेश्चन ये दिया हुआ बस ना सर।
अब पूरा सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करके दिखा सकता है कोई? सॉल्व करोगे विद फॉर्मेट होना चाहिए इसमें, सारी चीजें फॉर्मेट फॉर्मेट के हिसाब से नहीं करोगी मैंने? टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे बेनिफिट फंड या एक्सपेंस लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन, सब सारे बच्चे, सारे बच्चे करके दिखाएंगे वाला क्वेश्चन। पहले पहले तो ए ही निकाल लो पूरा, फिर बी निकालना, फिर सी निकालना, फिर डी निकालना। ये भी ए ही पता, अभी दस लाख है, गिनती में दे 20% ऑफ नेट सेल, तो ये कितनी हो गई 2 लाख। 8% ऑफ टोटल सेल ये भी लिखा दी, टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की होगी ना? हां प्रीवियस ईयर, सबको अपना प्रीवियस ईयर से मतलब है, ये को ए से मतलब है, बी को बी से मतलब है। तब हो गया ना थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो गया, पर जो बोर्ड में जो कैलकुलेशन आती है वो इजी आती है, वो जीरो कट जाने वाली आती है, वो दे दूंगी फिर जीएसटी का, तो जितनी जीएसटी को मैंने वो पूछा था, हमें पता है ये टोटल का कटा होती है, पर कैसे देने लगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नंबर और काट लेते हैं ये वाला क्वेश्चन जो कैलकुलेटेड ये को पेपर करा इसमें कर दिया है भैया, देखना तो दो तरफ ये तुमने फुलाए थे यार, ये पैसे आते हैं ऐसे, ये जैसे ही कैसे मतलब ये पानी नहीं होता है, पानी होता है भैया, उसी चक्कर में ये एक्सपेंस से बात हो गई। हां और वो कैंडल से एक्सपेंस हो गई, ये रोना पे लड़ गए अरोड़ा। हां चाबी मुझे रात को चाबी लौटाने आया, ये चाबी ले लो, तो मैं चल तू रहे सुबह क्लास है 9 बजे, तो तू रख ले, मैं निकल रहा। तभी अर्षित बोल रहा था कि 9 बजे मैंने टेस्ट रखा है, ये रखा है, बड़ी पागल हो गया अर्षित, तो आज ही टेस्ट रखने की जरूरत थी। मैं तो ये बोला टेस्ट रखने की जरूरत नहीं, अरे नहीं भैया बच्चे भी हाँ कर रहे, बच्चों ने हाँ कर दी, नहीं ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये तो बता दिया, ये नहीं पता की यहाँ पे कुछ, मुझे ये बता दे बैटमैन का केक आ रहा है, और 2 लाख 12 लाख होते हैं, 20 लाख है। अब चेक करो वहाँ क्या लिखा हुआ है, टैक्स इज कैलकुलेटेड पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, कोई 2 लाख है
5 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लो एंड हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमको कोई इतना टफ चैप्टर नहीं बचा हुआ पढ़ने के लिए, मतलब इसके बाद ही सारे टफ पड़े हुए हैं। अब जो सबसे टफ आने वाला हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, 6 मार्क्स का सटक क्वेश्चन जाया से जाया, वो पेपर में ही आएगा। और अगर उनको कर लिया, अगर तुम ये बुक भी कर गए ना, ये जो ये टिकट छुट्टा सी जो बुक है ये 20 मार्क्स की है, बस तो बोल रहा है 3 चैप्टर 20 मार्क्स के, वो तो टफ है ना। ये भी कर लिए, बहुत सस्ती बुक है ये, तुम जैसे लोगों के लिए, ये तुम जैसे लोगों को पास कराती है और जो टॉपर होते हैं ना उनके मार्क्स कटवा देती है, क्योंकि टॉपर ना हमेशा वो शेयर्स में लगा रहता है या फिर एनबीओ एडमिशन, वो वगैरह हो जाएगी और यही वो मार्क्स। और तुम जैसे बच्चे क्या करते, टीचर क्या करेगा कि भैया फेल हो रहे हैं, चलिए बुक में ये अलग अलग कर, और वही करके आ जाए तो वो 30-40 तो आराम से ले आते। स्मार्ट स्टडी कर, अब भयंकर वाली स्टडी मत कर, पर कॉन्सेप्चुअल भी तो पता होना चाहिए ना चीजों को। पढ़ाई में मना नहीं है, देखा देखा यही चीज तो मुझे बुरी लगती है, 4-4 बार बता रहा हूं मैं। टैक्सेस कैलकुलेटेड लिखा भी है ऑन पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से निकलता है इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो। थोड़ा कैलकुलेटर का कम इस्तेमाल करो ना, पेपर में बेकार हो जाओगे, बता रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे देखो अपने आप कैलकुलेट कर दिया, अभिषेक भी अपने आप कैलकुलेट कर रहा है। चले पढ़े, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। जिस बच्चे को स्क्रीन पे चेक करना है वो चेक कर सकता है। अदर इनकम कितनी है, 20% ऑफ नेट सेल, तो 10 लाख की सेल है तो 20% कितने होगा, 2 लाख आ गई है। दूसरी वाली नेट से वो अदर इनकम कितनी है, 15 लाख, नहीं वो कितनी थी, 30%, 15 लाख का 30% कितना होता है, 15 लाख का 30% 4-4.5 लाख होता है। अब चेक करो, ये मेरी 1 थी, ये मेरा 2 था, अब 3 क्या आएगा, टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी आई, 12 लाख, 19,50,000। अब एक्सपेंस पे बात आते हैं, 10% ऑफ टोटल इनकम 1,20,000,
15% ऑफ द टोटल इनकम कितना निकला, 19,50,000 का 15% कितना होगा? अरे निकाला है किसी ने? 292,500. फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 80% ऑफ ईओ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट. एम्प्लॉय बेनिफिट कितने का है? 1,20,000. 1,20,000 का 80% कितना होगा? निशान समझ में आ रहा है? आ रहा है? 96. दोबारा से बता देता हूँ ये निकाला कैसे मैंने. ये दूसरी वाली साइड का कर रहा हूँ. फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 70% ऑफ द बेनिफिट एम्प्लॉय बेनिफिट फंड. तो 2,92,500 का 70%. इसके बाद निकल गया एक्सपेंस. टोटल एक्सपेंस निकल गया. टोटल एक्सपेंस कितने हुए? 2,16,000 और 497,500. 250. ये टोटल तुम लोगों ने बताया, मैंने वो इतने लिख दिया. कितना है? 204,4,9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 4,4,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा इसके बाद, ये हमारा चौथा था, पांचवा निकलेगा। पांचवा कैसे निकलता है? थ्री माइनस फोर, थ्री कितना है? बारह लाख, और फोर कितना है? दो लाख सोलह हजार, कितना आया? नाइन लाख। नौ लाख एट्टी फोर आएगा। फोर तो सही आ रहा है, आप चेक कर लेगा माइनस करके, चेक करना बेटा। नौ लाख एट्टी फोर ही आएगा, नाइन लाख एट्टी फोर थाउजेंड, और फोर लाख, और दूसरा कितना है? उन्नीस लाख पचास हजार में से चौदह चार लाख नाइन्टी सेवन थाउजेंड, अब टैक्स निकालोगे आप सिक्स जो है 40% है दोनों में, तो 98400 का 40% निकलेगा 393600। कैसे निकाला चेक कर दू, टैक्स कैसे निकाला मैंने? 98400 का 40% 145, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा 52750 तो 40% कितना हुआ? 51,581 निकाल तो लिया तू, तो से मुंह देखो तूने बहुत बता दिया मुझे। सासवारा कितना आ रहा? सही आ रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 590,400। हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद वो आप सी और डी निकाल लेना, पर मैं बताऊं आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है आता इसी तरीके का, पर इतना टफ नहीं आएगा कैलकुलेशन में। बहुत जीरो से जीरो कट जाना, 10% 20% निकाल के तुरंत निकाल लोगे आप। अब आप सी और डी निकाल ही सकते हो अपनी कॉपी। नहीं नहीं जल्दी हो जाएगा।
चिंता मत करना, आप बुक के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इसमें, मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, 10-12 क्वेश्चन वही कर लेना बस खत्म। ऐसे ही सर जो भी होंगे, अब कॉमन साइज कंपेरेटिव सबके मिला के दे दूंगा, आप वो कर लो, उसके अलावा कुछ मत करना, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, क्लास नहीं है, विनय सर जी।